उसके बाद ये ओछे हथकंडों पर फिर अंदर इन्होंने आंसू गैस के रिपोर्ट्स के मुताबिक आंसू गैस के शेल्स भी पहुँचाए। ये इतनी ज़्यादा यहाँ पर सिक्योरिटी लगाई है और वकीलों को रोका गया है। हमारे सेक्रेटरी जनरल जो हैं असद उमर, वो गेट जो है फिलांग कर अंदर गए हैं। एक दो और हमारे सीनियर लोग पार्लियामेंटेरियन गेट फिलांग कर अंदर गए हैं, बल्कि मुझे पता चला हमारे वकील ने भी गेट फिलांग कर, और ये उनके नोटिस में भी लाई बात, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के नोटिस में भी ये बात लाई। जहाँ तक फैसले की बात है, ये तो पहले से एक्सपेक्टेड था, लेकिन इंशाल्लाह हमारे पास कानूनी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कौम को कहेंगे घबराना नहीं। सर आपने मुल्क भर में एहतजाज की काल दे दी है, एजाज चौधरी साहब भी अभी यही बात कर रहे थे, हमने काल दे दी है। एहतजाज है, हमारी कॉल का लोग इंतजार नहीं करते, लोग पुरमन एहतजाज करते हैं, फैमिलीज बुजुर्ग बच्चे बाहर निकलते हैं। ये हमारे लीडर का मामला है, पाकिस्तान के लीडर का मामला है। इमरान खान हमारी रेड लाइन है, पुलिस हमारी रेड लाइन है।